सभी आप लोग, आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन हैं हमारा, एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। जो टाइप वहां लिखने दो, मैं लिख देता हूँ फिर से। एक टाइप अगर आपको एक्सेप्टिव फॉर्म मिलती है ax² + bx + c, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस का, इस टाइप के कोई भी टाइप अगर आपके पास आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हमारा जो फर्स्टली हम लोग जो सीखे हुए होते हैं वो हमने क्या करते हैं कि सपोज है हमने इस क्वेश्चन के फैक्टर करने में, ठीक है, हम इसके फैक्टर करते हैं। नहीं तो फिर हम इसमें एक चीज और यूज करते हैं कि हमने लास्ट पीरियड में बताया था कि इस वैल्यू को हम आधा करते हैं, आधे स्क्वायर के लिए जोड़ते हैं, इसे घटाते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन बन के आती है, ठीक। तो उसके फैक्टर बनते हैं, फिर हम उसमें पुट करने वाली वैल्यू में लॉग के अकॉर्डिंग, टेन इनवर्स अकॉर्डिंग, जो भी हमारा साइन है उसके अकॉर्डिंग, जो भी हमारा आता है, तो हम ये सब चीजें उसमें पुट करते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा बार बताता हूँ कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां पे समय कम होगा आपके पास, ठीक है, और क्वेश्चन क्वांटिटी भी अच्छी होगी, तो वहां क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होंगे। तो क्वालिटी मीन्स ये होगा कि आपको वहां पे अपनी क्वालिटी में टाइम तो आपको बहुत ज्यादा बचा के करना है, और क्वांटिटी भी आपकी सेम है, तो दोनों को मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम जितने मैक्सिमम फॉर्मूले याद कर लेंगे उतना बेनिफिट है, और फॉर्मूले आपको जब तक याद नहीं होंगे जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि हमने जो क्या करना है पर्टिकुलर तरीके से, चाहे आपको मिनिमम फॉर्मूले के साथ में आपको टॉपिक कवर करेंगे ताकि आपको पता भी लगे ये टॉपिक का कहाँ यूज होना है। ये 8 क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कैसे भी क्वेश्चन आए, कैसा भी, बस ये फॉर्म देख लीजिए आप, ठीक है, ऐसा कैसे भी क्वेश्चन आए आपको समय ज्यादा नहीं लगाना है। पहले तो चाहे आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए सेफ रहे, क्योंकि मैं उसको रफ करने वाला हूँ और बाद में इसके हाफ क्वेश्चन का आपको रेशियो बताऊंगा। आपको सिर्फ दो तरीके बताऊंगा, उन दो तरीके में आपको कैसे भी क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में आप बहुत आसानी से कर लेंगे, आई गारंटी, आप जो उसको देखते ही कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ आप वो देख लीजिए। हमने आपको बताया था कि टीडीटी में वैसे हम बताते हैं मैथ्स को रटते नहीं है, लेकिन जिस परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं वहां रटना नहीं है आपको, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है। जैसे कहते हैं ना कि हमें मुद्दे की बात, हमें सिर्फ मुद्दे की बात देखनी है, और वहां पे देखते ही उसका हम आंसर देख के बता देंगे। जैसे कि आप सपोज कीजिए हम लोग सम करते थे, ठीक है, तो हम बोलते थे ना कि लास्ट में देखकर समझ जाते थे कि ये इवन ऑर्डर टू से कटिंग, हम टू डिजिट देख के चेक करते थे कि ये 4 से होगा, इस टाइप से हम एक चेक करते हैं लास्ट डिजिट से, तो वहां पे हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे और आपको बहुत क्यूटली तरीके से आपको हो जाएगा, आई गारंटी, ठीक है। चलिए आते हैं उस पे। ओके, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन दो फॉर्मूले से आप एक नहीं 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट टाइप आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखा है 1/(x²)/(bx+c) dx^√(b²−4ac) log 2ax + b² का डिफरेंशिएट कर दिया हमने, माइनस रूट में (b²−4ac) / 2ax³+b, मतलब यहाँ पे से माइनस यहाँ पे प्लस है, बाकी सेम रहेगा, इतना फॉर्मूला आप आराम से कर लेंगे, मालूम है। नेक्स्ट अगर देख रखा है टाइप कि 2, बस यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया 4ac - b² √ में, जो यहाँ होगा वही होगा और ये टेन इनवर्स हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारा डिफरेंशिएट करने पर आ रही है, ठीक, ये ध्यान रखना। अब आपका जो, आपका जो मेन इंडिकेशन है ये आ कहाँ से रहा है, ये यूज कहाँ करना है आपको वो देखना है। देखिए कहीं पे लिखा है आपका (b²−4ac) (b²−4ac), यदि ये ग्रेटर आ गया 0 से तो इस फॉर्मूले यूज कर लेंगे, यदि ये लेस आ गया 0 से तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, बस आपको इतना सही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी मैच इसमें नहीं करना है, ठीक। अब देखिए मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक सैंपल के तौर पर, ताकि आपको सिर्फ दो क्वेश्चन कर लेंगे आपको उसका एड्रेस हो जाएगा कि करना क्या है इसको। देखिए हमने कंपेयर कर दिया इसको, तो देखिए कंपेयर करने के लिए ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 होगी, बी की कितनी होगी -1 होगी, और सी की कितनी होगी 1 होगी, ओके। तो देखिए
हमने क्या कहा कि अब आपको ये चेक करना है कि आर किस में, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस वन, मतलब वन हो जाएगा ये, माइनस फोर, ए कितना है वन है, सी कितना वन है, तो मतलब माइनस का थ्री आ रहा है। तो ये देखिए आपको मालूम हो गया कि ये माइनस का जो थ्री है ये हमारा एडजस्टमेंट शुरू कर रहा है, बी स्क्वायर मतलब इस वाली वैल्यू को हमारा ये अटैच करना है, ठीक है। तो अटैच करना तो सारा इसमें हमसे पुट करनी है वैल्यू में, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, रूट थ्री हो गया, टेन इनवर्स, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, टू एक्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस थ्री, ये हमारा आंसर, ठीक। बस इतना सा आपको एडजस्ट करना था। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखा है वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का वन, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है, छोटा सा आपको पहले क्वेश्चंस को हम लोग फिर से डाल देते हैं, जितना समय लग रहा है वो समझाने में लग रहा है आपको, जब एक बार आप उसको समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। हमने क्या कहा था, कंपेयर कर लीजिए, ए की वैल्यू कितनी है टू है, बी की कितनी है वन है, सी की कितनी है माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, बी का मतलब कितनी है वन है, माइनस फोर, ए का मतलब कितना है टू है, सी की कितनी है माइनस वन है, तो फाइनली वन प्लस का एट मतलब नाइन हो गया, नाइन हो गया, इसका मतलब रूट नाइन मतलब रूट थ्री हो गया। तो ये हमारी कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये हमारा नाइन है वह हमारा जीरो से ग्रेटर है, इसका मतलब ये फॉर्मूला में एडजस्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो कर लेते हैं फिर, वन अपॉन ये कितना जाएगा, रूट हम लोग लगा देंगे नाइन कितना जाएगा, फाइनली थ्री भी जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, लो इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, कितना हो गया फोर एक्स प्लस वन अपॉन, और यहाँ पे हो गया आपका थ्री, ये हो गया फोर एक्स प्लस वन प्लस थ्री प्लस थ्री, तो वन अपॉन थ्री लॉग, ये कितना हो गया आपका फोर एक्स माइनस टू फोर एक्स फोर, ठीक है। यहां से टू लेके कॉमन लेके काट भी सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स माइनस वन, ये हो गया आपका टू एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये छोटा सा हमें फॉर्मेट था हमारे पास कि जो हमें यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में इसको सॉल्व करना था, इसमें जरा सा और बढ़ाना चाहते हो आप ये भी कर सकते हैं कि ये इसमें एक वैल्यू और बढ़ रही है आपकी, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से टू और कॉमन निकल जाए, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप उसमें देख लीजिएगा जो ऑप्शन आपके होंगे उसमें किस फॉर्म में दे रखा है, उसी फॉर्म में उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर। अब इन दो क्वेश्चन से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हमें एड्रेस कैसे करना है, हमें सिर्फ किससे मतलब था हमारा, इसका जो मेन जो खेल है वो इससे है, ठीक है। एक तो आपको ये समझना है, सेकंड बार देखिए एग्जाम में जो आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शंस होंगे तो या तो ये वाला ऑप्शन देंगे वो ये ऑप्शन देंगे, तो पहली बात आप जैसे इसको वैल्यू निकाला कि बीस को मैंने फोर लिखी है इसकी, तो आपको ये तो कन्फर्म हो जाएगा कि आंसर टेन इनवर्स में आना है या लॉग में आना है, एक तो ये क्लियर आपको हो जाएगा आराम से, ताकि जब जैसे हो जाए और उसमें भी कंफ्यूजन होता है तो सिर्फ आप उसके आपको ज्यादा देर नहीं लगने वाली है, ठीक है। उसमें फॉर्मूला भी लिखा होगा, कभी कभी तो भूल भी जाते हैं आप, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपके सामने दोनों एडजस्टमेंट है, सिर्फ आपको इतना सा फॉर्मेट आप याद रखेंगे, आपके आपको एक्चुअल में वैल्यू लगानी है इसमें, तो आप आसानी से उसमें विदाउट मेथड विदाउट पेन यूज करे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आई गारंटी, अगर आप उसको ठीक से कर लेते हैं तो, ठीक है। ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आए ये वैल्यू है इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब सिक्वेंस से धीरे धीरे कायदे से देखते हैं हमारे बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो बस आपको कंपेयर करना है इन दो फॉर्मूले पे, कितने भी सारे क्वेश्चन क्यों ना हो इस टाइप के आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप मेथड को नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये, और बहुत अच्छा मेथड है, सिंपल मेथड है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे आप प्रीवियस के एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो
तो इसके दोनों मेथड, वैसे आपको सिंपल मेथड भी आता होगा, ठीक है, आपने किया होगा, लेकिन ट्रिक वाइज अगर मेथड कर लेते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और काफी हद तक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपके लिए नए नए टूल शॉर्टकट जितने भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।